जननायक जनता पार्टी द्वारा रामबाग में मेरठ रोड पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इनसो के राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। दिग्विजय सिंह चौटाला का करनाल मेरठ रोड रामबाग में पहुंचने पर फूलमालाओं से एवं पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। करनाल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य 13 मार्च को पानीपत के इसराना हलके में अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर होने वाली विशाल रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने का निमंत्रण देना रहा। चौटाला ने कहा कि कोई भी पार्टी अपने संगठन को हमेशा मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहती है। उसी के मद्देनजर इसराना में एक विशाल रैली आयोजित कर पार्टी को नई मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पिछले काफी अरसे से पिछली सरकारों के अत्याचारों एवं जुल्मों से परेशान चल रहे थे, परंतु अब दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मात्र लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने में पार्टी द्वारा 18% वोट बैंक इकट्ठा करना और 10 सीटें पार्टी की झोली में डालना कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जिसे दुष्यंत चौटाला को मजबूती मिली और स्वयं अमित शाह ने दुष्यंत चौटाला को बुलाकर सरकार में भागीदारी करने का न्योता दिया और न्यूनतम मिनिमम एजेंडा बनाकर हरियाणा में विकास कार्य को गति देने के लिए जननायक जनता पार्टी को सरकार में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा को युवाओं को 75% आरक्षण का बिल लगभग तैयार है, जो अगले विधानसभा सत्र में पास हो जाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनियों में पहले बाहर के लोग नौकरी कर पाते थे, परंतु अब उसमें हरियाणा के लोग युवा नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पार्टी बनने के बाद चीन में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बेशक हार हुई हो, परंतु पार्टी का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झंडा ऊंचा हुआ और लोग कहने लगे कि अब यह उगता हुआ सूरज है जो पीछे हटने वाला नहीं है, और जिन चुनाव में कांग्रेस का चैप्टर वह किताब बंद करके कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मेहनती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 13 तारीख को इसराना में पहुंचकर पिछली रैलियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करें और जननायक जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करें। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह मोहसिन चौधरी, महाम सिंह राज्यपाल, जिला अध्यक्ष प्रेम शाहपुर, युवा अध्यक्ष अमनदीप सिंह चावला, मीडिया प्रभारी जसकरण राणा, घरोंडा से पार्टी के उम्मीदवार रहे उमेद सिंह कश्यप के अलावा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता एवं भारी तादाद में जनसमूह उपस्थित रहा। इनके लिए ड्यूटी लगाएंगे, आज तक जब से पार्टी में काम किया कोई भी अजय भाई साहब का ऐसा जन्म दिवस नहीं जिसपे हमने ब्लड कैंप ना लगाया हो। इस बार भी ब्लड कैंप को 13 तारीख की जगह चाहे एक दिन आगे करे चाहे एक दिन पीछे, अपना असूल नहीं टूटने देंगे और वादा करते हैं कि करनाल हलके की तरफ से जो भी वैसा ड्यूटी लगाएंगे उसे सवाया करने का काम करेंगे और वादा करते हैं कि ब्लड कैंप में जितने भाई साहब के जन्मदिन दिवस हुए उससे 1 यूनिट फालतू कर उसे लगाते हैं और इस बार भी चाहे उसे एक दिन आके चाहे पीछे एडजस्ट करके लगाए और तो जो 13 मार्च को हरियाणा के अंदर इसराना की जमीन पर जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक जन्मदिन मनाना है, क्योंकि कोई भी रैली हमने राज में हिस्सेदारी के बाद हमारी डॉक्टर सिंह चौटाला जी के जन्मदिन के रूप में ये पहली रैली को एक विशाल रूप देना है। और जिस प्रकार से भाई साथियों ने बताया कि साथी राज के अंदर जो हिस्सेदारी मान करके मायूस हैं, आप लोगों को बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में जो आपके नेता है आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, चौधरी निशान सिंह जी, सरदार निशान सिंह जी, कांग्रेस के राज में और पिछली सरकार में जो जुल्म हमारे कार्यकर्ताओं ने सही
मैं अपने मुखारबंद से उसको बयान नहीं कर सकता। दिन रात चाहे अपनी जेब से खर्चा लगाना पड़ा, कार्यकर्ता ने कभी इस बात की परवाह नहीं समझी, मगर पार्टी के झंडे को नीचा नहीं होने। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, जब इनेलो से जेजेपी बनी तो जींद के अंदर पांडु पंडारा में रैली हुई और उसके पश्चात जींद का बाय इलेक्शन जब हुआ, मुझे आज बड़ी खुशी होती है बात कहते हुए करनाल में कि करनाल के लोगों ने जींद में जाकर जींद जिले के कार्यकर्ताओं से भी अग्रणी भूमिका निभाने का काम उस इलेक्शन में किया, जिसकी बदौलत एक तीर से दो निशाने सिद्ध हो गए। एक तो आपने कांग्रेस का चैप्टर, कांग्रेस की किताब वहीं बंद कर दी, क्योंकि वो सीट अगर कांग्रेस जीत जाती तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होती। वहीं दूसरा, उस चुनाव रिजल्ट के बाद हम इलेक्शन ना जीते हो मगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बात की चर्चा होने लगी कि जेजेपी उगता हुआ सूरज है, इसको कोई अब रोक नहीं सकता। लोकसभा का चुनाव भी हमने मजबूती से लड़ा, परिणाम हमारे पक्ष में ना रहे हों क्योंकि मोदी जी की लहर बहुत बड़ी थी, या तो वोट कांग्रेस के विरोध में था या बीजेपी के पक्ष में था, और वो जो उनके विरोध का और बीजेपी के पक्ष का सारा वोट था वो बीजेपी को चला गया, हमें नहीं मिल सका। मगर 6 महीने के छोटे से अंतरकाल में जो लोग ये कहते थे भाई हवा का बुलबुला है, अब ये नहीं बचा, आपने उसको गलत सिद्ध किया, आपने अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मीडिया कह रही थी एक सीट दो सीट, कोई तो 0 सीट दिखाया करते। आपने उन विकट विपरीत परिस्थितियों में 18.5% वोट और 10 सीट दुष्यंत को देकर के एक मजबूत नेता बनाया। अब अपने पास दो रास्ते थे, या तो कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं। मैं सल्यूट करता हूं हमारी पार्टी की लीडरशिप को, सरदार निशान सिंह जी हमारे बीच बैठे, जिन्होंने ये कहा भी नहीं, ना तो हम कांग्रेस के साथ ही ना हम बीजेपी, हम तो उसके साथ ही जो लोगों की मांगों को माने। और दुष्यंत जी ने 5 पॉइंट एजेंडा दोनों पार्टियों के सामने रख दिया, भाई जो 5 बातें मानेगा हम उसके साथ जाने का काम करेंगे, और उसमें कांग्रेस क्योंकि निर्दलीय एमएलए नहीं जुटा पाए, और बीजेपी अमित शाह जी ने दुष्यंत को बुला करके ये वादा दिया कि जहां तुम्हारी प्रमुख मांगों को हम मानेंगे वहीं बची हुई मांगों पर भी सामन्वय कमेटी बना करके दोनों पार्टियों का फैसला करवाएंगे। इसलिए जहां आप सरकार में शामिल हुए, दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के इस कम आयु में सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बन सके, आज सरकार के हिस्सेदार भी हम बनने में सफल हो गए। आपकी सरकार ने वो कर दिखाया जो इससे पहले नहीं हुआ, 75% आरक्षण, कांग्रेस ही कहते थे भाई ये संभव नहीं, जहां कैबिनेट की मंजूरी उसे मिल चुकी, अगले विधानसभा के सत्र में उसे बिल के रूप में मंजूर कर लिया जाए, जिसका मतलब यह है कि जो लोकल कह के हरियाणवी नौजवान को प्राइवेट कंपनी वाले बाहर का रास्ता दिखाते थे, अब वो प्राइवेट कंपनी वाले आपको बुला करके नौकरी देंगे, 13 लाख से ज्यादा नौकरियां हरियाणा में नहीं आएंगी, होगी आपने विश्वास। वही आपने जो मुझे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को अंतिम पंक्ति में बोलने का मौका दिया और पगड़ी पहना करके मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, और ये विश्वास आपको देता हूं कि आपकी दी हुई इस पगड़ी को, आपके इस विश्वास को दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी कभी नीचा नहीं होने देगी, कार्यकर्ता की इस पगड़ी को कभी आंच नहीं आने देगी। सम्मानित साथियों, आज तो हम जहां आपसे मिलने आए हैं, 13 का इनविटेशन न्योता निमंत्रण लेकर के आए, इस उम्मीद में आए हैं कि करनाल इस रैली में पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करें, कम से कम प्रत्येक हल्के से, क्योंकि आपका नजदीक का जिला है और यहां के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। चुनाव में अलग बात है कि हम किस स्थिति पे रहे हैं, मगर रैलियों में और जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाए, करनाल जिला अग्रणी जिला रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप कम से कम प्रत्येक हल्के से 3,000 से ज्यादा की संख्या में यहां से कार्यकर्ताओं को, लोगों को ले जाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां में बुजुर्गों का हमारा हौसला।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.